चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने तरह के होते हैं, सबसे पहला सवाल तो यही आता है। सो कितने तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, तो दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। मैं आपको यहां लिख के बताता हूं, देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, और वैसे अगर पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखोगे तो उसको तीन पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। पहला है गैल्वेनिक सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये तीन पोर्शन है। सेल कितने तरह के होते हैं, मात्र दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं, पहला वो जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये तो मालूम है। दूसरा वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दूसरा होता है। पहला वो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, दूसरा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गैल्वेनिक सेल। इसमें आपका इनपुट क्या होता है, ये जो इधर लिखा है वो है इनपुट, और यहां पर क्या मिलता है आपको, आउटपुट। केमिकल इनपुट होता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है, इसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। लेकिन दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल इनपुट एंड केमिकल आउटपुट, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इज दिस क्लियर, सबको समझ में आ गया। सो देयर इज अ गैल्वेनिक सेल एंड देयर इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन दिस केस दिस इज योर इनपुट एंड दिस वन इज योर आउटपुट। अब इनको बोलते क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, ये गैल्वेनिक सेल है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर केमिकल इनपुट है लेकिन इलेक्ट्रिकल आउटपुट है। तो इन दैट केस यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस, यानी कि अपने आप होती है। यहां पर जो केमिकल रिएक्शन है, जरा ध्यान से देखिए, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। यहां जो केमिकल रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, जबकि यहां पर ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट क्या है, यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप नहीं होती। ऐसा मुझे कैसे पता, क्योंकि यहां पर आपको इनपुट देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिकल इनपुट, इलेक्ट्रिसिटी, जो आप खुद मेहनत से पैदा करते हो। समझ में आया, तो ये आपको अंदर देनी पड़ रही है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। सो ह्यूमन जब इनपुट देता है तो उसको लॉस है। तो जब आप इनपुट देते हो इसका मतलब ये अपने आप तो नहीं हो रही, इसके लिए आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इनपुट देना पड़ रहा है। दैट्स वाई दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये स्पॉन्टेनियस क्यों है, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रिकल इनपुट नहीं है और इंसान के काम की चीज बाहर निकल रही है। समझ में आ गया, तो इंसान के काम की चीज यहां बाहर निकल रही है, दैट इज इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल रहा है यहां पर जो हमें चाहिए। तो ये हमारे लिए स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होने वाली रिएक्शन। सबको समझ में आ गया। चौथा पॉइंट क्या है, जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो थर्मोडायनेमिकली डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। जिस भी केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। थर्मोडायनेमिक में तुमने पढ़ा होगा, जबकि यहां पर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो यहां पर डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार पॉइंट तो आप में से सारे बच्चों को पता होने चाहिए, क्लियर है। पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहां पर पांचवा पॉइंट ये है कि जो एनोड और जो कैथोड होता है, समझ में आया, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में। एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड को डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में डाला जाता है, अभी दिखाऊंगा आपको। जबकि यहां पर क्या होता है, एनोड और कैथोड दोनों ही सेम कंटेनर में होता है। ये तो जानते हो, कंटेनर का क्या मतलब है, चलो मैं दिखा देता हूं। मतलब समझो, आप लोगों को याद होगा इतना तो जिसने पढ़ा हुआ है, अगर आपको गैल्वेनिक सेल बनाना है तो क्या करना पड़ता है, छोटा सा यहां बनाऊंगा, देखो आपको एक यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में एक कंटेनर लेना होता है, राइट हैंड साइड में एक कंटेनर लेना होता है। इसमें आप जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आप क्या डालते हो, एनोड, राइट हैंड साइड में कैथोड, बीच में आप इसको जोड़ते हो इस तरह से। याद है तुम लोगों को कि नहीं याद है, बीच में से आप इसको ऐसे करके जोड़ते हो, ठीक है, लोड लगा के। और यहां पर तुम लोग क्या करते हो, इन दोनों को कनेक्ट करते हो सोल्ट ब्रिज से। याद है या नहीं याद है, सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हो। तो यहां पर अलग अलग कंटेनर में एनोड और कैथोड को डाला जाता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप सेम कंटेनर के अंदर एनोड और कैथोड को डालते हो, सेम कंटेनर के अंदर आप एनोड और कैथोड को डालते हो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और यहां पर आउटपुट, यहां पर बैटरी कनेक्ट की जाती है, इनपुट में आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो यहां पर जो एनोड और कैथोड होता है वो अलग अलग कंटेनर में होता है, जबकि यहां पर एनोड और कैथोड दोनों सेम ही कंटेनर में होता है। समझ में आ गया। छठा पॉइंट जो मैं आपको यहां पर लिखने जा रहा हूं, अब यहां पर कौन एनोड है और कौन कैथोड है, पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। सो इसके लिए यहां पर जो वर्ड है वो आपको याद रखना है, दैट इज
LOAN, लोन। मैंने पढ़ाई में लोन लिया था, एजुकेशन में मैंने लोन लिया था, क्या तुमने कभी लोन लिया? मैं तुमसे सवाल बड़ा इंटरेस्टिंगली पूछता हूं, हे क्या तुमने कभी लोन लिया? मैंने भी लिया। इसे ऐसे करके याद होगा। तुम लोग बताओ मुझे, तुम में से किस किस ने लोन लिया है कभी? तुम्हारे पापा ने लिया होगा कभी, तो लिया होगा है? क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? मैंने भी किया। क्या तुमने किसी से उधार लिया? मैंने भी लिया। सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड लोन। समझ में आया? लोन समझते हो क्या बच्चे? समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं लिया, उधार नहीं लिया तुमने कभी है? उधार लिया होगा कभी कभी। तो ये लोन का मतलब क्या है जरा समझो। है ना? ए बसंती, इतना गंदा डायलॉग बोला, इसको शोले से जोड़ दिया लोगों ने। Somebody is writing, ए बसंती तुमने कभी किसी से लोन लिया? चलो देखो इधर आओ। तो फाइनली जरा ध्यान से इसको चेक करना, व्हाट आई एम सेइंग इज लोन का मतलब क्या है। इधर वर्ड याद रखोगे लोन, तो उधर उल्टा कर देना उसका, जस्ट अपोजिट। ओके, तो मैं आपको समझाता हूं, यहां पर लोन से आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मिलने वाली हैं। उल्टा ऐसे नहीं करना, दिमाग लगाना है। यहां पर एक वर्ड है लोन, लोन का मतलब समझो। अगर आपको लोन वर्ड याद है तो आप लोगों को क्या चीजें याद हो रही है? एल का मतलब होता है लेफ्ट साइड, क्या होता है? लेफ्ट साइड। ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड में जो कंटेनर है वहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ए का मतलब है एनोड, उसे हम एनोड कहेंगे। अब बताओ ये लेफ्ट साइड थी, ये राइट साइड थी। लेफ्ट साइड में जो ये जो दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे? एनोड। तो राइट साइड में जो दिख रहा है आपको, उसको क्या बोलेंगे? कैथोड। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद एन का क्या मतलब है? एन का मतलब होता है नेगेटिव। इसका मतलब जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास ये जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है वो कैसा होगा? नेगेटिव। तो राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यहां पर देखो एनोड नेगेटिव टर्मिनल होता है और कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसका जस्ट उल्टा यहां करना है। यहां पर छठे पॉइंट में क्या लिखोगे? यहां पर एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है जबकि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। यह आपको ध्यान रखना है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये तुम्हारे पास क्या है? एनोड। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत कम बच्चों को पता होती है। समझो जो मैं बोल रहा हूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किस किस को समझ में आ गया? या अल्लाह वल्लाह, समझ में आया? किस किस को समझ में आ गया? राइट आंसर, किस किस को याद हो गया? तो मैं यहां लोन से क्या कहना चाह रहा हूं, लोन में जो ए है वो एनोड है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है और वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो एनोड नेगेटिव होता है जबकि यहां पर एनोड पॉजिटिव होता है। इज दिस क्लियर? यही सबसे बड़ा फर्क है इन दोनों में। सबको समझ में आ गया? यहां पर एनोड नेगेटिव होता है, यहां पर एनोड पॉजिटिव होता है। तो जो बच्चे शुरू से ऐसा पढ़ते आए हैं कि एनोड माने नेगेटिव, नहीं, वो डिपेंड करता है कि सेल कौन सा है। एनोड नेगेटिव होता है गैल्वेनिक सेल के लिए और एनोड पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। इज दिस क्लियर? आपको पता होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो पॉजिटिव टर्मिनल से उसे क्या बोलते हैं? एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है यहां पे। यहां पर एनोड को क्या बोला जाता है? नेगेटिव टर्मिनल। और कैथोड को क्या बोला जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल। दोनों में फर्क है। तो दिस इज द वर्किंग डिफरेंस बिटवीन द गैल्वेनिक सेल एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ में आ गया? किस किस को ये सारे पॉइंट याद हो गए? किस किस को ये सारे छह के छह पॉइंट याद हो गए? बोले कि यस सर हमें याद हो गए। किस किस को छह के छह पॉइंट याद हो गए? मैं पूछ रहा हूं, चैट सेक्शन में आंसर करके बताओ। दोस्तों क्या तुम्हें छह पॉइंट याद हो गए? मुझे भी हो गए। मैंने तो लिखे ही हैं। ठीक है, चमकला चमकला, चमकीला चमकीला। समझ में आ गया सब लोगों को? बढ़िया। अब हम चलते और आगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड दी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सबको क्लियर है? बहुत है, बढ़िया। तो अगर आपको ये ना ये छोटी छोटी बेसिक भी पता है ना, तो आपका ना नीट का पेपर बड़े आसानी से निकल जाएगा यार। बच्चों को ना बेसिक भी नहीं पता होता है, ये सबसे बड़ा दुख की बात यही होती है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल जिसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, मैंने आपको बताया था। फिर आप चलो यहां पर ये देखो, ये गैल्वेनिक सेल है। क्या खास बात है इसकी? आपने लेफ्ट हैंड साइड में कंटेनर लिया, राइट हैंड साइड में कंटेनर लिया, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड डाला, राइट हैंड साइड में कैथोड डाला। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इधर से मूव करते हैं, यहां आते हैं। याद है ये सॉल्ट ब्रिज है, सबको पता होगा।
ये आपका पूरा सेटअप होता है गैल्वेनिक सेल का। ये तो तुम्हें पता है, अलग अलग कंटेनर में एनोड और कैथोड को रखा जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड है, सोल्ट ब्रिज है और इस सर्किट से केमिकल इनपुट है बट इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको मिलता है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको मिलता है, मैंने आपको बता दिया। अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो यहां पर इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? यहां पर दो कटोरे लिए, यहां पर एक कटोरे में काम चल गया। सो देयर इज अ वन कंटेनर ओनली इन विच यू विल पुट एनोड एंड द कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड। अब एक बात बताऊं, गजब की बात बताऊंगा, क्या तुम लोग तैयार हो? बता दो तुम्हें क्या बात। चलो देखो, आपसे अगर कोई पूछ ले इन फ्यूचर, इफ समबडी विल आस्क यू what is anode and what is cathode, no, you don't have to say ki anode, isko kabhi bhi charge ke hisab se mat batane ka, kyunki anode aur cathode charge ke hisab se change hote rehte hain. To kaise bataoge tum anode kya hota hai? Kya aap answer kar sakte ho? I'm asking a simple question, what is anode? So can you please answer this question? तो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली अगर आपको अगली बार से कोई पूछे कि एनोड क्या होता है, डोंट से कि ये नेगेटिव टर्मिनल होता है या फिर डोंट से ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दैट डिपेंड्स कि आपका सेल कौन सा है, समझ में आया? तो वो गलत है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या होता है एनोड, मेरे प्यारे बच्चों, एनोड वो टर्मिनल है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ये इसकी पेट डेफिनेशन है। जहां जिस टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं। तो कैथोड किसे कहते हैं? कैथोड वो टर्मिनल होता है जहां पर रिडक्शन होता है। ये प्योर डेफिनेशंस हैं और एकदम 100% करेक्ट डेफिनेशंस हैं, 100% करेक्ट डेफिनेशंस हैं। बहुत कम बच्चों को पता होती है ये सब चीजें। एनोड वो टर्मिनल है जहां ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड वो टर्मिनल है जहां रिडक्शन होता है। सबको समझ में आ गया? बल्ले बल्ले, कमाल कर दिया तुम लोगों ने। तो अब आप चेक करो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो यहां पर मैंने इसको एनोड क्यों बोला, क्योंकि पक्का यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे? आपको पता होगा कि यहां पर ये जो आपको दिख रहा है रोड, वो जिंक का है, अंदर जिंक का ही सॉल्यूशन भरा हुआ है, ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो आपको पता होगा, है ना? तो यहां पर क्या होता है पता है, सबसे पहले जो जिंक है बेसिकली वो क्या करता है, Zn+2 में अपने आप को कन्वर्ट करता है और दो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। यही दो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हुए यहां आते हैं, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसलिए इसको क्या बोला, एनोड। समझ में आ गया? अब आ जाओ यहां पर, यहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें कैसे पता? मान लो कि यहां पर जरा आप चेक करना, मैंने NaCl डाला। क्या डाला? NaCl। तो NaCl में क्या होता है, Na+ और क्या होता है, Cl-। तो आप लोग मुझे बताइए कि Cl- कहां पे मूव करेगा? पक्का पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो आपको पता है कि Cl- पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करके करेगा क्या? ये Cl- यहां पर हाफ Cl2 में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन का जो रिलीज दिख रहा है, That is donation of electron. समझ में आ गया? That is called oxidation. जानते हो ना? Oxidation का मतलब क्या होता है? Release of electron. Donation of electron is called oxidation. जानते हो ना? Yes, loss of electron is called oxidation. तो यहां पर आप oxidation की अगर definition पूछोगे तो यही chemical reaction वहां पर हो रही है, इसलिए इसको anode बोला है। Is this clear? बहुत है बढ़िया, तो तुम समझ गए होगे। सबको समझ में आ गया? बल्ले बल्ले। तो बस यही छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान से पकड़ लोगे तो आप कभी गलती नहीं करोगे। अब ध्यान देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत ही बढ़िया। एग्जांपल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है डैनियल सेल। किस किस को डैनियल सेल आता है? कौन बोला डैनियल सेल आएगा? किस किस को डैनियल सेल आता है? आई विल टेल यू द डैनियल सेल। तैयार हो तुम लोग? मैं डैनियल सेल दिखाता हूं तुम्हें। सो डैनियल सेल अभी थोड़ी देर पहले देखा ही था तुमने, मैं आपको दिखाता हूं। एक्चुअली डैनियल सेल में ये दो कंटेनर आप लगाओ। सबसे पहले तो यहां पर आप बेसिकली क्या करोगे, ये जिंक की रोड है, इसमें जो आप लोग यहां पर भरोगे सॉल्यूशन, वो कौन सा भरोगे? ZnSO4 का भरोगे, एक्वस सॉल्यूशन। यहां पर आप क्या करोगे, कैथोड लगाओगे। कैथोड किसका लगाओगे? कॉपर का। और अंदर जो सॉल्यूशन भरोगे वो किसका भरोगे? ये भरोगे CuSO4 का, वो भी एक्वस सॉल्यूशन। जानते हो डैनियल सेल में? अब यहां से आप कनेक्ट करोगे इसको इस तरह से, यहां पर कुछ भी आप वोल्ट मीटर अमीटर व्हाटएवर यू लगाना चाहो जो लगा लो। उसके बाद मतलब सिर्फ ये चेक करने के लिए, इंडिकेशन के लिए कि भाई करंट फ्लो हो रहा है। ये क्या है? सोल्ट ब्रिज। दिस इज कॉल्ड सोल्ट ब्रिज, जो कि क्या काम करता है, मेनली ये काम करता है सर्किट को पूरा करने का और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाते रहने का। ये सोल्ट ब्रिज है जिसमें यहां पर क्या होगा,
जिंक जो है Zn प्लस टू में कन्वर्ट होगा और दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। यही दो इलेक्ट्रॉन कहां से, ये दो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहां से यहां पर आएंगे, तो यहां पर क्या रिएक्शन हो रही होगी, इसमें CuSO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ है तो इसमें Cu प्लस टू आयन होंगे। यही Cu प्लस टू आयन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर के अंदर। आ गया समझ में? तो ये इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। आ गया समझ में? इसी को डैनियल सेल कहते हैं। और इसका अगर आप ईनोड सेल निकालोगे पूरे सेल का तो वो आएगा 1.1 वोल्ट, जानते हो 1.10 वोल्ट भी कह सकते हो। किस किस को पता है कि डैनियल सेल का जो ईनोड सेल होता है वो 1.10 वोल्ट होता है, किस किस को पता है? और ये सारी चीजें बेसिक है, तुम्हें पता होनी चाहिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन की यस सर हमें पता है 1.1, अक्षय चौहान ने सही लिखा है ना? यस अक्षय चौहान और विनीता, अच्छा क्या लग रहा है, क्या चल रहा है बताओ, किस किस को पता थी ये बात? इसी को डैनियल सेल कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी बना के रखता है, सर्किट को पूरा करता है, इसी को डैनियल सेल कहते हैं। और ये पूरी स्ट्रक्चर होती है डैनियल सेल की। इज दिस क्लियर? बल्ले बल्ले तुमने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। आई लव यू मैन, आई लव यू, आई एम वेरी एक्सप्रेसिव एंड आई लव यू। चलो आज मैं रसोड़े में गया था, तुमने किस किस ने मुझे रसोड़े में देख लिया आज, किस किस ने मुझे रसोड़े में देखा? नहीं देखा, जस्ट गो एंड चेक A2K लॉयंस, उसमें आज मैं रसोड़े में हूं। किस किस ने मुझे रसोड़े में देखा है, किस किस ने मुझे रसोड़े में देखा है? देखा था? नहीं देखा तो देख लेना, बड़ा मजा आएगा। मैंने बताया बेसिकली उसके अंदर की नटेला को कैसे खाया जाता है। फर्स्ट टाइम यू विल सी इन किचन, सी मी इन किचन। नैन्सी का बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे नैन्सी, नैन्सी करे मेरे बर्थडे, चलो हैप्पी बर्थडे नैन्सी। तो अगर आपने अरविंद अरोड़ा को रसोड़े में नहीं देखा है तो गो चेक आउट A2K लॉयंस एंड वहां पर मैं रसोड़े में दिखूंगा तुम्हें। चलो तो अब हम लोग आगे चलते हैं। डैनियल सेल ये रहा जिसमें आपको बताई दिया है ये जिंक है, ये कॉपर है, सॉल्ट ब्रिज है, सब कुछ बता चुका हूं मैं, है ना, और डिटेल बता चुका हूं। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि वहां पर केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। अच्छा ये और सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं डैनियल सेल का, ये हमें कैसे पता कि इसको ऐसे लिखा जाता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जरा देखो, तो मैं आपको समझाता हूं कि सेल रिप्रेजेंटेशन कहां से आई। तो अगर कोई पूछे कि आपके गैल्वेनिक सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, दैट आई विल टेल यू दैट वेरी इजी, दैट इज वेरी इजी, कैसे मैं आपको बताता हूं। तो आप लोग जरा ध्यान से देखो पूरा सर्किट, अगर आपने गौर से देखा है, ठीक है, जो मैं आप पीछे लेके चलता हूं, आप लोगों ने देख ही लिया था, तो मैं आप लोगों को पीछे लेके चलता हूं। ये सर्किट था पूरा जो आप लोगों ने देखा था, तो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं इसको हर बार, तो मैं ये नहीं बना सकता, बार बार बनाऊंगा तुम लोग सर बोर हो रहे हैं क्या है कि दो डब्बे बनाते जा रहे हो, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट आई विल टेल यू। तो देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। देखो यहां पर क्या है ना, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है तो ये आपका राइट हैंड साइड है ना। तो यहां पर आपका ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पर आपका क्या होगा, रिडक्शन। देखो R से R मैच भी हो रहा है, राइट हैंड साइड में रिडक्शन होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो देखो यहां पर इस केमिकल रिएक्शन को देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा होगा, जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, Zn प्लस टू में, और वो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा। यस, और मैं पूछूं यहां पर कैसी केमिकल रिएक्शन हो रही है, Cu प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, Cu के अंदर। यस, थोड़ा फेजेस पे चलते हैं, ये सॉलिड है, सॉलिड से किसमें चला जाएगा, एक्वस के अंदर। ये क्या है, ये एक्वस है, एक्वस से किसमें चला जाएगा, सॉलिड के अंदर। तो अगर मुझे इसे दिखाना है, और साथ में एक सॉल्ट ब्रिज भी आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर इसको ना स्मॉल वे में रिप्रेजेंट करना है सेल रिप्रेजेंटेशन तो कैसे होती है, तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड, पहले आप एक काम करो यहां पर है ना, मैं थोड़ा रबड़ ले लेता हूं, हटाइए भैया, ये हटा दिया। सबसे पहले आप लोग सेल रिप्रेजेंट करना है तो क्या करते हो, देखो आप सबसे पहले ना यहां पर लिखो ये कौन सी साइड है तुम्हारी, ये तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड है, जगह नहीं बच रही है, मैं यहां लिख देता हूं, चलो ये तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये तुम्हारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। ये लिखना नहीं होता, वो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी लेफ्ट साइड है वो तुम्हारी राइट साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन लिखते हो, राइट साइड में रिडक्शन लिखते हो। अच्छा लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, तो आप नेगेटिव साइन लगाओ। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्ट साइड में आपको पता ना LOAN याद करवाया था मैंने, LOAN, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल, समझ में आ गया। राइट हैंड साइड में फिर कौन सा साइन लगेगा, पॉजिटिव, तो तुमने दो साइन लगा दिए। फिर उसके बाद देखो लेफ्ट हैंड साइड में हो क्या रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो जिंक है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है। यस, एक्वस लिख देना नीचे, लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में जिंक Zn प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है। फिर आप दो डंडे लगाओ, ये दो जो डंडे आपको दिखाई दे रहे हैं बेसिकली वो क्या है, सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आप क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, यहां पर देखो कॉपर प्लस टू कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, सेम चीज वहां पर लिख दो कि यहां पर जो कॉपर प्लस टू है एक्वस में, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर के अंदर, खत्म।
येलो सेल रिप्रेजेंटेशन है, इज दिस हार्ड, जो मैंने लिखा वो हार्ड किस किस को लगा, वो अमेजोन पे लाल रंग का शक्तिमान का चड्डी खरीद लेना, किस किस को ये हार्ड लगा जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, लाल रंग का शक्तिमान का चड्डी लेके शक्तिमान शक्तिमान, मम्मी से नीले रंग की चुन्नी ले लेना और फिर तुम एक लायरा की वो पहन लेना, क्या बोलते हैं उसको, तुम पहले लायरा की वो पहनना, लायरा की लेगिंग, लेगिंग के ऊपर शक्तिमान की लाल चड्डी, उसके बाद मम्मी से एक चुन्नी, फिर वो ऐसे करके खड़े हो जाना, यू शक्तिमान शक्तिमान, ऐसी बनते बच्चों को शक्तिमान बनाना कैसे बनेगा ना। अगर आप फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन सुने हो तुम लोग, सो देर इज अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, तो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में बच्चे को शक्तिमान बनाना तो क्या करते हो, पहले तो उसको एक वो पजामी पहनाते हो नीले रंग की, फिर एक नीली टी शर्ट पहनाते हो, उसी नीले रंग की पजामी के ऊपर उसको लाल रंग की चड्डी पहना दो, फिर उसके गले में एक चुन्नी बांध दो नहीं वो फिर शक्तिमान बन जाता है नहीं, तो बस ऐसा ही। अगर आप लोग लगता है कि शक्तिमान बन के ही आएगा तो तुम उल्लू के पट्टे हो, ठीक है, अमेजोन से ऑर्डर कर लेना। बचपना कितना अच्छा होता था नहीं, मुझे आज फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में मेरे को क्या बनाया था पता तुम्हें हंसोगे तुम लोग, रहने दो चलो रहने देते नहीं, ज्यादा ही पोल खुल जाएगी तुम कहोगे ऐसा ऐसा भी हुआ, चलो तो फाइनली ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा। अच्छा भाई देवे तुम्हें क्या बनाया, तुम कभी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने गए हो तो तुम्हें क्या बनाया गया था, तुम पहले अपनी पोल खोलो फिर मैं बताऊंगा। सो दिस इज अ सेल रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे होती है, दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि कैसे होगी, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने आपको बता दिया कौन क्या करता है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन दिखे वो हाफ रिएक्शन है, इज दिस क्लियर, और ओवरऑल रिएक्शन ये हो रही है, जिंक कॉपर प्लस टू के साथ रिएक्ट करके ZN+2 और CU में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ रिएक्शन को जोड़ा गया और कुछ नहीं।